हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू चैलेंजर क्लासेस। माय नेम इज शशांक भट्ट एंड आई एम योर केमिस्ट्री एजुकेटर। तो अभी तक हम लोग सॉल्यूशन चैप्टर में कंसंट्रेशन टर्म्स पढ़ चुके थे, मतलब कि सॉल्यूट कितना अमाउंट में प्रेजेंट है सॉल्यूशन में, उसकी बात करी थी। अब अगर बताया जाए कि सर सॉल्यूट कितना डिजोल्व हुआ है, मतलब आपने सॉल्यूट डाला कितना मैक्सिमम उसमें आप सॉल्यूट ऐड कर सकते हो और वो सॉल्यूशन बनाएगा, तो उसी चीज को हम बोलते हैं क्या, सॉल्युबिलिटी। तो आज हमारा मेनली फोकस किस पे रहेगा, सॉल्युबिलिटी पे। तो ठीक है, अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। पेन और कॉपी लेके तैयार हो जाइएगा, स्क्रीन लॉक है हमारी, ये आ गया हमारा। ठीक है, तो हमारा टॉपिक क्या था, सॉल्युबिलिटी। अब सॉल्युबिलिटी को जरा इजी लैंग्वेज में हम लोग पहले समझ लेते हैं, डेफिनेशन तो लिखी ही है। तो हम लोग क्या बना रहे थे, नींबू पानी हम बना रहे थे, अभी तक बना नहीं है पूरा, है ना। तो हम क्या कर रहे थे, स्टार्टिंग में शुगर ऐड कर रहे थे वाटर में। तो मुझे बताओ क्या एक ग्लास पानी में आप एक बोरा शुगर ऐड कर सकते हो, नहीं। एक पॉइंट होगा ना, एक टाइम जब तक शुगर उसमें ऐड होती रहेगी, है ना। फिर एक टाइम ऐसा आएगा कि वाटर मना कर देगा कि भाई अब मैं इसमें अपने अंदर और शुगर ऐड नहीं करा सकता हूं। तो जितनी मैक्सिमम शुगर आप वाटर में डिजोल्व करा सकते हो वही उस सॉल्यूशन की क्या हो जाती है, सॉल्युबिलिटी, है ना। तो अगर इसी को अब हम अपनी लैंग्वेज में, केमिस्ट्री की लैंग्वेज में बोलें तो क्या, कि द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट विच कैन बी डिसॉल्व इन अ स्पेसिफाइड अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट। अब आपको सॉल्वेंट का अमाउंट भी स्पेसिफाई करना पड़ेगा ना, क्योंकि एक गिलास पानी में अलग अमाउंट चीनी डिजोल्व होगी, वहीं अगर अब आप बाहर शरबत बांटने के लिए बना रहे हो तो फिर पानी ज्यादा लिया होगा आपने वाटर, तो वहां पे फिर शुगर का अमाउंट भी चेंज हो जाएगा। तो हमें क्या करना है, सॉल्वेंट का अमाउंट भी स्पेसिफाई कर देना है पहले से कि सर हाँ एक गिलास पानी है हमारे पास, अब बताओ इसमें कितनी चीनी घुल सकती है ना। और एक इम्पॉर्टेंट बात यहाँ पे मैंने मेंशन करी है क्या, एट पर्टिकुलर टेम्परेचर। टेम्परेचर भी आपका मेंटेन रहना चाहिए, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि अगर शुगर डिजोल्व नहीं हो रही होती है, जैसे हमें किसी मिठाई वगैरह के लिए चाशनी बनानी है तो वहां पे हमें उसको थोड़ा एक्स्ट्रा स्वीट करना होता है टेस्ट में, तो हम वहां पे क्या करते हैं, फिर जो हलवाई लोग होते हैं वो हीट करने लगते हैं ताकि वो चीनी और अच्छे से डिजोल्व हो जाए, तो वहां पे फिर टेम्परेचर का इफेक्ट आ जाता है। तो आपको टेम्परेचर कॉन्स्टेंट रखना है। तो कंप्लीट डेफिनेशन क्या बन गई, कि इट इज द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट दैट कैन बी डिजोल्व इन अ स्पेसिफाइड अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट एट पर्टिकुलर टेम्परेचर। ठीक, सॉल्युबिलिटी समझ में आया। अब ये सॉल्युबिलिटी किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करती है, सबसे पहले तो आपका सॉल्यूट और सॉल्वेंट का नेचर कैसा है ना, दोनों में भाई कैसी हाई हेलो हो रही है, कैसी बोलचाल है, क्योंकि आपका यार आना दोस्त आना भी कैसे लोगों के संग होता है, मोस्टली आपके क्लास वालों के संग। क्यों, क्योंकि आप दोनों एक ही क्लास में हो, एक ही जैसे सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, एक ही जैसे टीचर से पढ़ रहे हो, सेम टाइम टेबल है। बड़े छोटे जूनियर सीनियर से भी हो सकती है फ्रेंडशिप, लेकिन उतना ज्यादा नहीं, एक दो होंगे तो होंगे। तो हमारे को क्या देखना है कि सॉल्यूट और सॉल्वेंट का नेचर कैसा है, अगर एक जैसा हुआ तो वो दोनों अच्छे से आपस में घुल मिल जाएंगे, मतलब सॉल्युबिलिटी अच्छी हो जाएगी। दूसरी चीज फिर क्या आ जाती है, टेम्परेचर। जैसे कि हमने अभी पहले डिस्कस किया था कि शुगर डिजोल्व हो रही थी, अब हमें और डिजोल्व करानी है, तो फिर हमने उसको हीट करना शुरू कर दिया, तो मतलब टेम्परेचर भी इफेक्ट करता है। और थर्ड एंड लास्ट क्या आता है, प्रेशर। देखते हो ना, पानी लिया है ग्लास में, ऐसे ही शुगर कम डिजोल्व हो रही है, लेकिन जब आप ऊपर से स्पून से उसको स्टिर करते हो तो वहां पे क्या लग रहा होता है, प्रेशर। तो प्रेशर से फिर सॉल्युबिलिटी क्या हो जाती है, इफेक्ट हो जाती है। तो इन्हीं तीन फैक्टर्स को हम लोग डिटेल में देखेंगे जब हम सॉल्युबिलिटी को और आगे डिस्कस करेंगे। ठीक, तो इसको नोट कर लेना आप, डेफिनेशन है और किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करती है वो लिखा है, थ्योरेटिकल क्वेश्चन में हेल्प करेगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अब हम डिटेल में क्या डिस्कस करने जा रहे हैं, क्योंकि हम लोग सॉल्यूशन चैप्टर पढ़ रहे हैं, तो सॉल्यूशन पहले हम किस चीज का ले रहे हैं, एक सॉलिड का लिक्विड में, मतलब यहाँ पे सॉलिड क्या होगा, सॉल्यूट होगा, और लिक्विड क्या होगा, सॉल्वेंट होगा। तो ये कौन सा सॉल्यूशन हो गया, लिक्विड सॉल्यूशन हो गया। ठीक है, तो अब मुझे बताओ क्या सारे सॉलिड सॉल्यूट डिजोल्व हो जाते हैं वाटर में, कोई भी सॉलिड सॉल्यूट है तो क्या वो वाटर में डिजोल्व हो जाएगा। देखो कैसे पता लगेगा, चलो मैं एग्जांपल से लेता हूँ। ठीक, सबसे पहले मैं आपके पास, कलर सही नहीं है हमारा, कलर चेंज कर लेते हैं, येलो ले लेते हैं। ठीक, तो हमने क्या बोला,
क्या सारे सॉल्यूट डिसॉल्व हो जाएंगे लिक्विड में कि नहीं। तो देखो आपको एग्जांपल से समझाता हूँ। एक तरफ मेरे पास क्या है, सॉल्ट है, ठीक। सॉल्ट क्या होता है अगर केमिस्ट्री के टर्म्स में उसका नाम लिया जाए तो, सोडियम क्लोराइड। सॉल्ट मतलब जो आपका घर पे रखा है नमक, है ना। वैसे सॉल्ट तो बहुत होते हैं, तो सॉल्ट हमारे पास कौन सा है, NaCl का है, ठीक। और मैं बोल रहा हूं कि शुगर भी है, तो ये तो आप कॉमन ऑब्जर्वेशन है कि ये दोनों चीजें वाटर में हर हालत में डिसॉल्व हो ही जाती है ना। लेकिन क्या यही चीज अगर मैं किसी और सॉल्वेंट में लेता, जैसे कि बेंजीन भी एक सॉल्वेंट होता है, तो वहां पे डिसॉल्व नहीं होती है। तो देखते हैं कि किस चीज, शुगर देखो मोस्टली ग्लूकोज के टर्म्स में होता है ना, तो ग्लूकोज का फॉर्मूला ये होता है C6H12O6। तो ये दोनों चीजें कहाँ पे डिसॉल्व हो जा रही थी, देखो ये दोनों चीजें आपकी वॉटर में तो डिसॉल्व हो जा रही है, यानी कि वॉटर में सॉल्यूबल है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो वॉटर में सॉल्यूबल हो गई, लेकिन यही दोनों चीजें काय में, बेंजीन में जो थी वो इनसॉल्यूबल थी। तो ऐसा क्या हुआ कि इन्होंने वॉटर को सॉल्यूबल में कराया अपने आप को और बेंजीन में नहीं कराया, तो अभी डिस्कस करेंगे। तो पहले मैं आपको ऐसी चीज ले ली जो वॉटर में सॉल्यूबल थी, बेंजीन में इनसॉल्यूबल थी, है ना। अब मैं ऐसी चीज लूंगा आपके सामने जो वॉटर में तो इनसॉल्यूबल होंगी लेकिन बेंजीन में सॉल्यूबल होंगी, ठीक। उसका एग्जांपल है हमारे पास नेफ्थलीन। नेफ्थलीन बॉल्स जो होती हैं, ठंड में कपड़ों के साथ रख देते हैं ताकि भाई उसकी स्मेल ना आए, है ना। तो नेफ्थलीन, नेफ्थलीन का अगर स्ट्रक्चर देखोगे तो कुछ इस तरीके से होता है कि दो बेंजीन रिंग एक साथ अटैच हुई रहती है, मतलब ये एक हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड होता है, ठीक है। और साथ में एक और कंपाउंड होता है आपके पास एंथ्रासीन, इसमें तीन बेंजीन रिंग क्या होती हैं, एक साथ फ्यूज होती हैं, ठीक है। देखो यहाँ पे एंथ्रासीन कैसे है, तीन बेंजीन रिंग एक दूसरे में आपस में मतलब कनेक्टेड है, एक दूसरे में तो नहीं आपस में कनेक्टेड है, ठीक है। तो ये कहाँ पे सॉल्यूबल हो रही है, ये बेंजीन में सॉल्यूबल हो रही है, ठीक है। ये तीनों क्या है, दोनों क्या है, बेंजीन में सॉल्यूबल है, डिसॉल्व हो जा रही है, लेकिन वॉटर में क्या है, इनसॉल्यूबल है। तो कौन सा रोल यहाँ पे प्ले करा इनको सॉल्यूबलाइज कराने में, तो वो था इनका नेचर। हम लोगों ने फैक्टर पढ़े थे कि सबसे पहला फैक्टर क्या था, नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। तो जब इनको आप सही से इनके नेचर के बारे में बात करोगे तो देखो NaCl है। अब NaCl में आप देखोगे क्या कि एक आयनिक कंपाउंड है, सोडियम के ऊपर क्या रहता है प्लस चार्ज और क्लोरीन के ऊपर क्या रहता है माइनस चार्ज। तो देखो यहाँ पे चार्जेस आ गए ना, अब कहीं पे भी चार्ज आ जाते हैं तो हम बोलते हैं कि वो कंपाउंड पोलर है। जैसे हमारे अर्थ के ग्लोब में दो पोल होते हैं, साउथ पोल और नॉर्थ पोल, दो पोल्स आ गए ना, उसी तरीके पे कहीं पे अगर किसी कंपाउंड में दो चार्जेस आ जाएं प्लस और माइनस, तो उस कंपाउंड को हम क्या बोल देते हैं कि ये कंपाउंड पोलर है। तो NaCl कैसा है, पोलर कंपाउंड है। और इसी तरीके से जब आप इसका स्ट्रक्चर देखते हो, इसका स्ट्रक्चर वैसे एक बायोमोलिक्यूल करके चैप्टर आएगा तो उसमें हम लोग देखेंगे डिटेल में भी, लेकिन अभी मैं आपको हल्का सा बता देता हूँ कैसा दिखता है ये। देखो इस तरीके से आपके पास एक सी डबल बॉन्ड ओ होता है और एच होता है, बाकी फिर आपके पास ये लगे रहते हैं सी एच ओ एच ग्रुप चार, ठीक है। और एट लास्ट आपके पास ऐसे सी एच टू ओ एच, ये ग्लूकोज का स्ट्रक्चर है, ठीक है। चेक कर लेना उतनी ही चीजें होंगी, 6 ही कार्बन होंगे, 12 ही हाइड्रोजन होंगे और 6 ही ऑक्सीजन होंगे। तो यहाँ पे भी जब आप देखोगे कार्बन और ऑक्सीजन को ध्यान से देखो, एक प्रॉपर्टी हुआ करती थी 11th क्लास में जिसका नाम था इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ठीक। इस प्रॉपर्टी को ऐसे समझो कि आपके स्कूल में स्पोर्ट्स डे चल रहा है और उसमें टग ऑफ वॉर का इवेंट चल रहा है, मतलब रस्सा खींच का। तो अब बताओ कौन सी वाली टीम जीतेगी, जिसकी तरफ ज्यादा पावरफुल बच्चे होंगे भाई वो अपनी तरफ उसे खींच लेंगे, क्या बोलते हैं रस्सी को, है ना। तो उसी तरीके से यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उन इलेक्ट्रॉन में भी क्या चल रहा होता है कि इस इलेक्ट्रॉन को आप रस्सी की तरह मान लो और इन दोनों को क्या मान लो कि भाई ये दोनों टीम है, ठीक। तो इन दोनों टीम में कौन सी टीम इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींच लेगी, जो ज्यादा पावरफुल होगी उसी पावर को हम लोग केमिस्ट्री में क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अगर इसकी डेफिनेशन बोलूं तो क्या कि इट इज द पावर ऑफ एन एटम या एलिमेंट टू अट्रैक्ट द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन
टूवर्ड्स इट सेल्फ, मतलब ये जो इलेक्ट्रॉन शेयर हुए हैं किसकी तरफ को ज्यादा शिफ्टेड रहेंगे, जो ज्यादा जो इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा। तो एक बात ध्यान रखना कि ये तीन एलिमेंट सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं हमारे पास, ठीक है। फिर चौथे नंबर पे क्लोरीन आ जाता है, तो ये क्या है हमारे पास, हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स है, है ना। तो देखो ऑक्सीजन हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है ही कार्बन के रिस्पेक्ट में, तो ये वाले इलेक्ट्रॉन किसकी तरफ शिफ्टेड, शिफ्ट होंगे बस, पूरे उठ के नहीं जाएंगे। तो जब भी शिफ्टिंग होती है तो हम पार्शियल चार्ज दिखा देते हैं कि भाई आधी अधूरा, और जिसके पास से चले जाएंगे उसके पास क्या हो जाएगी, डेफिशिएंसी, तो क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। तो देखो यहाँ पे भी पोल्स डेवलप हुए थे, पूरा पूरा चार्ज आया था, यहाँ पे भी पोल्स डेवलप हो गए, आधा अधूरा चार्ज आया है लेकिन चार्ज तो आया है। तो इन दोनों कंपाउंड्स को हम क्या बोलेंगे कि ये दोनों कंपाउंड्स कैसे हैं, ये दोनों कंपाउंड्स हैं पोलर, ठीक। अब जिसमें ये डिजोल्व हो रहे थे उसको देखो, वो क्या है, वॉटर। वॉटर के स्ट्रक्चर को जब आप देखते हो तो वॉटर का स्ट्रक्चर कैसा दिखता है, इस तरीके से मिक्की माउस टाइप होता है ना, दो लोन पेयर होते हैं यहाँ पे, ठीक है, इस तरीके से। तो यहाँ पे भी देखो ये वही ऑक्सीजन आ गया जो अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन खींचेगा, तो यहाँ पे भी क्या हो जाएंगे, फिर चार्जेस डेवलप हो जाएंगे इस तरीके से, ठीक है। तो यहाँ पे भी ये कैसा हो गया, पोलर हो गया। तो हमने देखा कि जो कंपाउंड पोलर हैं या जो सॉल्यूट पोलर हैं वो किसमें डिजोल्व हो रहे हैं, जो सॉल्वेंट पोलर है उसी सॉल्वेंट में डिजोल्व हो रहे हैं। बेंजीन को देखोगे अगर आप, तो बेंजीन कैसा दिखता है, बेंजीन कुछ ऐसा दिखता है, ठीक, जिसमें कि कार्बन ही है आपस में। अब जब कार्बन ही कार्बन है तो मुझे बताओ, अगर दो ऐसी टीम के बीच में टग ऑफ वॉर हो जिनकी पावर सेम है, मतलब जिनके पास दोनों टीम में ऐसे बच्चे हैं कि ऑलमोस्ट सेम स्ट्रेंथ है, तो फिर तो कोई विनर हो ही नहीं पाएगा, रस्सी बीच में ही रहेगी। तो वही हाल यहाँ पे बेंजीन में देखो क्या है, सारे कार्बन है तो कहीं पे चार्ज डेवलप हो ही नहीं पाएगा, क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स की शिफ्टिंग होएगी नहीं, सारे इलेक्ट्रॉन्स बॉन्ड के बीच में ही रहेंगे क्योंकि कोई वहां पे जोर नहीं लगा रहा होगा। तो बेंजीन में फिर क्या होंगे, चार्जेस भी डेवलप नहीं होंगे, तो बेंजीन कैसा हो जाता है हमारे पास, बेंजीन हो जाता है नॉन पोलर। तो हमने क्या देखा कि जो कंपाउंड या जो सॉल्यूट पोलर थे वो पोलर ही सॉल्वेंट में डिजोल्व हुए, नॉन पोलर में नहीं हुए। अब एक बार यहां भी देख लो, क्या नेफ्थलीन पोलर है, नहीं सर, कार्बन कार्बन ही तो है हर तरफ। एंथ्रासीन क्या पोलर है, नहीं, यहाँ भी कार्बन कार्बन है। और बेंजीन मैंने आपको बता ही दिया कैसा है, नॉन पोलर है क्योंकि यहाँ पे चार्जेस डेवलप नहीं हुए हैं। तो देखो ये दोनों कंपाउंड भी कहाँ पे डिजोल्व हो रहे हैं, अगर मैं इन दोनों की बात करूं तो ये दोनों भी कैसे हैं, नॉन पोलर। तो ये कहाँ पे डिजोल्व हुए, नॉन पोलर सॉल्वेंट में ही डिजोल्व हुए। और वॉटर कैसा था हमारे पास, पोलर था, तो पोलर सॉल्वेंट में ये लोग डिजोल्व नहीं हुए। तो हमने यहां से क्या सीखा कि अगर सर सॉल्यूट पोलर होगा तो पोलर सॉल्वेंट में डिजोल्व होगा, और सॉल्यूट नॉन पोलर होगा तो नॉन पोलर सॉल्वेंट में ही डिजोल्व होगा। तो यहीं से एक कोट निकल के आती है कि लाइक डिजोल्व्स इन लाइक, जो जैसा है वो वैसे के संग ही घुलेगा मिलेगा, ठीक। इसको नोट कर लो, इसको मैं फिर आपको टर्म्स में लिखवा दूंगा, ठीक, यहाँ पे जगह यहीं पे लिखवा देता हूँ, देख लो। यहां से क्या कॉन्सेप्ट निकल के आता है कि लाइक डिजोल्व्स इन लाइक, है ना, जो जैसा होगा वो वैसे के संग ही घुलेगा मिलेगा। तो हमने यहाँ पे कौन सा वाला फैक्टर डिस्कस किया, हमने डिस्कस किया नेचर ऑफ सॉल्यूट और सॉल्वेंट वाला, देखो यहाँ का दिख रहा होगा आपको। तो यहाँ पे कौन सा वाला फैक्टर डिस्कस हुआ है, नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट वाला, ठीक है। अभी और फैक्टर्स भी देखेंगे आगे। तो हमें यहाँ पे पता लग गया कि अगर सॉल्यूट पोलर है तो आपका सॉल्वेंट भी पोलर होना चाहिए, और अगर सॉल्यूट नॉन पोलर है तो सॉल्वेंट भी नॉन पोलर होना चाहिए। अगर और मतलब केमिस्ट्री के टर्म्स में आओ तो सॉल्यूट में जैसी इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन हैं, मतलब उनके मॉलिक्यूल्स के बीच में जैसी फोर्सेस हैं वैसी ही सॉल्वेंट में होनी चाहिए, तब दोनों आपस में घुलेंगे मिलेंगे यानी कि डिजोल्व होंगे। इतना क्लियर हुआ सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन अ लिक्विड के बारे में, देख लो, ठीक है, थोड़ा सा पीछे पीछे हो गया है लेकिन स्टेप बाय स्टेप लिखना, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगर इसको लिखवा भी दूं तुम्हें तो लिखवा देता हूं एक बार, इसको रब करके यहाँ पे, ठीक है, सारा रब कर देता हूं, और इसको कि भाई हमें प्राइमरी कंडीशन क्या है वो देख लो, ठीक। तो प्राइमरी कंडीशन हमारे पास ये आ जाती है कि कोई भी सॉल्यूट, ठीक है, अ सॉल्यूट
विल डिसॉल्व, कहां पे डिसॉल्व होगा, विल डिसॉल्व इन अ सॉल्वेंट इफ क्या चीज, इंटरमोलिकुलर फोर्सेस, जो उनके मॉलिक्यूल्स के बीच में फोर्सेस लग रही है ना, इफ इंटरमोलिकुलर फोर्सेस आर सेम इन बोथ ऑफ देम, उन दोनों में वो फोर्सेस सेम होनी चाहिए है ना, तभी वो डिसॉल्व होंगे एक दूसरे में। तो बस यही वाली बात थी जो हमें ध्यान रखनी थी, ठीक है, इसको लिख लेना, इसको भी रख करते हैं और आगे बढ़ते हैं, देख लो। तो ये काय की बात हो गई कि सॉल्यूट और सॉल्वेंट का नेचर एक जैसा होना चाहिए, ये रियल लाइफ में होता है, हमारा याराना दोस्ताना हमारे जैसे जैसे दोस्तों के संग ही, लोगों के संग ही होता है, ठीक। आगे बढ़ते हैं, अब इसमें मैं अगर तुम्हें बताऊं लॉक ना करके, देखो इसको इमेजिन करो, स्टार्टिंग में देखो सॉल्यूट तुमने डिसॉल्व किया था ना, होते जा रहा था, लेकिन क्या हमेशा हुआ नहीं, एक पॉइंट आया जहां पे वो सॉल्यूट डिसॉल्व होना रुक जाएगा, ठीक है। तो जब तक डिसॉल्व होगा उस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, डिसोल्यूशन, है ना। तो स्टार्टिंग में क्या होता है, स्टार्टिंग में तो डिसोल्यूशन होता है, डिसोल्यूशन मतलब कि आपका सॉल्यूट डिसॉल्व हो रहा है ना, स्टार्टिंग में ये होता है डिसोल्यूशन। जब भी कोई सॉल्यूट किसी सॉल्वेंट में एंटर करता है और सॉल्यूशन बनाता है, फिर कुछ देर बाद अब सॉल्वेंट कहता है कि नहीं भाई, अब मैं और सॉल्यूट अपने अंदर डिसॉल्व नहीं करा सकता, तो फिर वहां पे क्या होता है, रिपल्शन होगा, जब एक जैसी चीजें एक जगह पे इकट्ठी हो जाएंगी, तो सॉल्यूट था इस सॉल्यूशन में और सॉल्यूट आया, आपस में कोलिजन हुआ, जो बाहर वाला सॉल्यूट था उससे कहा भाई हम सॉल्यूबलाइज तो नहीं कराएंगे, तुम्हें यही बैठे रहना है, बैठे रहो, वो बैठे रहेगा और कैसा है सॉलिड, तो वो क्रिस्टल बना लेगा, तो उसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, क्रिस्टलाइजेशन। तो पहले स्टार्टिंग में क्या होता है, डिसोल्यूशन, और उसके बाद क्या स्टार्ट हो जाता है, क्रिस्टलाइजेशन, ठीक है। तो स्टार्टिंग में डिसोल्यूशन और आफ्टर सम टाइम क्या हो जाता है, क्रिस्टलाइजेशन। तो इसी प्रोसेस पे हम कहते हैं कि बस अब आपकी सॉल्युबिलिटी आ गई है मैक्सिमम जितनी हो सकती थी, है ना। तो ऐसे सॉल्यूशन जिनमें कि आप और सॉल्यूट डिसॉल्व ना कर सको उनको क्या बोलते हैं, सैचुरेटेड सॉल्यूशन। बस बकायदा आपका टेम्परेचर और प्रेशर फिक्स रहना चाहिए, अगर वो चेंज होगा तो सॉल्युबिलिटी भी चेंज हो जाएगी, है ना। तो इस तरीके के प्रोसेस जो होते हैं उसमें इक्विलिब्रियम अटेन हो जाता है, देखो सॉल्यूट था सॉल्वेंट में ऐड कर रहे थे, डिसॉल्व हो जा रहा था, तो मतलब क्या बना ले रहा था, सॉल्यूशन बना ले रहा था, लेकिन जैसे ही हम और सॉल्यूट डालने लगे तो गया तो सॉल्यूशन में, उस सॉल्यूट मॉलिक्यूल्स में कोलिजन हुआ, उन्होंने कहा भाई हम डिसॉल्व नहीं कराएंगे, तुम यहीं बैठे रहो, तो फिर वो बैकवर्ड डायरेक्शन में चले गए, ठीक। तो यहाँ पे क्या हो गया, इक्विलिब्रियम स्टेबलाइज हो गया, ठीक। और ऐसा सॉल्यूशन जिनमें और सॉल्यूट नहीं डाल सकते उनको क्या बोलते हैं, उनको बोला जाता है सैचुरेटेड सॉल्यूशन, कहते हैं ना सैचुरेशन आ गई, हम लोगों की बोलोगे सर अब नहीं पढ़ा जा रहा है, तो मतलब क्या हो रहा है कि सर अब समझ में नहीं आ रहा है, बहुत देर से पढ़ लिया, तो समझो भाई पढ़ना तो पड़ेगा। देखो सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होते हैं, द सॉल्यूशन इन विच नो मोर सॉल्यूट, इन विच नो मोर सॉल्यूट कैन बी एडेड, कब, एट फिक्स टेम्परेचर एंड प्रेशर, है ना। टेम्परेचर और प्रेशर कैसा रखना है, आपको फिक्स रखना है, तो यही बात थी। तो कोई अगर सैचुरेटेड सॉल्यूशन की डेफिनेशन पूछेगा तो क्या, द सॉल्यूशन इन विच नो मोर सॉल्यूट कैन बी एडेड एट फिक्स टेम्परेचर एंड प्रेशर, ठीक है, अनसैचुरेटेड वो हो जाएंगे जिसमें और डिजोल्व हो सकता है। तो सॉलिड की सॉल्युबिलिटी समझ में आई, ठीक, लिख लो, फिर उसको रब करने वाला हूँ, ठीक, रब कर देता हूँ। तो ये तो हो गया भाई सैचुरेटेड सॉल्यूशन, है ना, वो सॉल्यूशन जिसमें आप और सॉल्यूट ऐड नहीं कर सकते हो। तो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अब टेम्परेचर का क्या इफेक्ट होगा, टेम्परेचर का इफेक्ट भी तो देखना पड़ेगा, ठीक है। तो टेम्परेचर का इफेक्ट देखते हैं, तो इसके लिए आपको वापस उस इक्विलिब्रियम रिएक्शन में जाना पड़ेगा जो क्या हो रही थी, जो इस तरीके से हो रही थी, ये वाली देखो, सॉल्यूट
प्लस सॉल्वेंट क्या बना रहे थे, सॉल्यूशन, और ये प्रोसेस काय में था, ये प्रोसेस इक्विलिब्रियम में था, ठीक है। सॉल्यूशन को मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं इस तरीके से। अब आप देखो इक्विलिब्रियम रिएक्शन को कौन अच्छे से एक्सप्लेन करता है, ली चैटिलियर प्रिंसिपल। ली चैटिलियर प्रिंसिपल ये कहता है कि अगर ये इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब होगा किसी भी वजह से, तो वो सिस्टम क्या चाहेगा, उस डिस्टरबेंस को अपोज करना, है ना। मान लो तुम पढ़ रहे थे, तुम्हारे रूम में छोटा भाई आया, डिस्टर्ब किया उसने तुम्हें, तो तुम क्या चाहोगे कि भाई ये वहां से बाहर चला जाए, मतलब तुमने जस्ट अपोजिट करा ना जिस वजह से तुम्हें डिस्टरबेंस हुई थी। तो वही काम ये सिस्टम करता है। अगर इस सिस्टम को कोई डिस्टरबेंस फील होगा तो वो ये चाहेगा कि भाई मैं जल्दी से सब सही कर दूं, अपोज कर दूं इस चीज को। तो वही कौन, वही चीज कौन बताता है, वही चीज बताता है कौन, ली चैटिलियर प्रिंसिपल, है ना। इसको मैं एक्सप्लेन कर दिया, इसको लिखवाऊंगा नहीं, 11 का टॉपिक है, बस समझ लो कि ये क्या बताता है। ये बताता है कि अगर आपका इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हुआ तो वो अपने आप को इस तरीके से चेंज करेगा कि उस डिस्टरबेंस को अपोज कर दे। बात समझ में आई। अब देखो टेम्परेचर का इफेक्ट समझो। सपोज करो जब आपका सॉल्यूशन बन रहा है तो वहां पे हीट रिलीज हो रही है, जैसे कि घर पे पुताई होती है तो चूना घोल, चूना व्हाइट वॉश करते वक्त पानी में घोलते हैं तो क्या होता है, एकदम हीट रिलीज होती है, है ना। और ऐसी रिएक्शंस जहां पे हीट रिलीज हो उनको क्या बोलते हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शंस, है ना। तो अगर आप सॉल्यूट आपका चूना है, सॉल्वेंट आपका पानी है, दोनों को घोल के आप व्हाइट वॉश वाला सॉल्यूशन प्रिपेयर कर रहे हो, ठीक है, और इस प्रोसेस में क्या हो रहा है, आपकी हीट निकल रही है, मतलब इस तरीके से हीट बाहर को निकलती है भाई, बबल्स बनते हैं, है ना। बाल्टी उल्टी प्लास्टिक की बाल्टी में इसलिए नहीं करते हैं, कभी कभार खराब हो जाएगी, ठीक है। तो होता क्या है, वहां हीट निकल रही है, और ऐसी रिएक्शंस को हम लोग क्या बोलते हैं, ऐसी रिएक्शंस को बोला जाता है एक्सोथर्मिक रिएक्शंस, ठीक। एक्स है ना, एक्स मतलब कट, बाहर निकल रहा है, तो हीट वहां से बाहर निकल रही है, तो एक ऐसी रिएक्शन है एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक रिएक्शंस के लिए क्या होता है, एक थर्मोडायनेमिक पैरामीटर होता है एंथैल्पी, डेल्टा एच से डिनोट करते हैं उसको। वो कैसा हो जाएगा, वो हो जाता है आपका ये नेगेटिव। अब यार आपके आपके पास से आप कोई एनर्जी निकल रही है तो आपकी एनर्जी तो कम हो गई ना, नेगेटिव में चले गई, तो ये एनर्जी ही समझ लो कि उसकी एनर्जी कम हो गई, ठीक है। अब इस प्रोसेस में हीट निकल रही है तो तुम क्या करो कि इस प्रोसेस को और अच्छा बना दो। अगर तुम टेम्परेचर बढ़ाओगे तो इसके लिए नुकसानदायक है ना, ऑलरेडी हीट बाहर निकल रही है और तुमने टेम्परेचर बढ़ा दिया तो वो तो उसके लिए अनफेवरेबल हो जाएगा ना। तुम चाहोगे भाई टेम्परेचर कम से कम हो ताकि जो हीट निकले उससे बाहर कोई दिक्कत ना आए, है ना। तो होगा क्या, अगर हम इस केस में टेम्परेचर बढ़ा देंगे, समझ रहे हो ना बात को, अगर हम यहाँ पे टेम्परेचर बढ़ा देते हैं तो ये प्रोसेस के लिए क्या हो जाएगा, अनफेवरेबल। और ये प्रोसेस बता क्या रहा है हमको, सॉल्युबिलिटी तो ही बता रहा है, तो हमारे पास सॉल्युबिलिटी क्या हो जाएगी, टेम्परेचर बढ़ाने से सॉल्युबिलिटी कम हो जाएगी। समझ में आया कि नहीं आया, क्योंकि ऑलरेडी हीट निकल रही थी ना, हीट बाहर निकल रही है, तुम और हीट दिए जा रहे हो तो उसके लिए तो नुकसानदायक है, तो वो जो काम कर रहा था उसको नहीं करेगा। लेकिन वहीं अगर तुमने टेम्परेचर कम कर दिया तो अच्छी बात है, फिर तो वो क्या कहेगा, लाओ भाई मैं सॉल्युबिलिटी अपनी बढ़ा लेता हूँ। तो टेम्परेचर का क्या फर्क पड़ा, टेम्परेचर का फर्क पड़ा इस तरीके से कि रिएक्शन यानी कि सॉल्यूशन बनते समय क्या हो रहा था, अगर हीट निकली तो आप भाई बाहर से उसे कम हीट दो ताकि उसके लिए फेवरेबल रहे, ठीक। अब ऐसा कोई सॉल्यूशन देख लेते हैं जहां पे हीट देनी पड़े। अब हम चाशनी बना रहे हैं तो शुगर डिजोल्व हो नहीं रही थी, हमने उसका टेम्परेचर बढ़ा दिया, मतलब उसे हीट दी, तो इस समय जब क्या हुआ, जब सॉल्यूट और सॉल्वेंट आपने घोलने चाहे तो वो नॉर्मली डिजोल्व नहीं हो रहे थे, तो आपने यहाँ पे हीट दे दी, ठीक है, और हीट दी और फिर इक्विलिब्रियम अटेन हुआ और फिर क्या बना, सॉल्यूशन बना। तो ऐसे रिएक्शंस जहां पे हीट देनी पड़ती है, दो गहरा हीट दो, तो उन रिएक्शंस का क्या नाम हो जाता है, उन रिएक्शंस का नाम हो जाता है एंडोथर्मिक रिएक्शंस, ठीक है। तो उन रिएक्शन का क्या नाम हो जाता है, एंडोथर्मिक रिएक्शंस। और इनके लिए डेल्टा एच कैसा होगा, अब उसे हीट मिल गई ना तो उसकी एनर्जी बढ़ जाएगी, यानी कि उसके लिए डेल्टा एच कैसा होता है, पॉजिटिव, पॉजिटिव मतलब जीरो से ज्यादा होगा, यहाँ जीरो से कम होगा। तो इस प्रोसेस में तो उसको हीट चाहिए, और आप टेम्परेचर बढ़ा दोगे तो उसके लिए क्या हो जाएगा, फायदे की बात हो जाएगी, उसे और हीट मिल रही है, तो यहाँ पे फिर क्या हो जाएगा,
टेम्परेचर बढ़ाने से क्या हो जाएगी, सॉल्युबिलिटी बढ़ जाएगी, और टेम्परेचर कम करने से क्या होगा, सॉल्युबिलिटी कम हो जाएगी। तो टेम्परेचर का इफेक्ट समझ में आया? टेम्परेचर का इफेक्ट तभी समझ में आएगा जब हमें रिएक्शन या के बारे में पता हो कि सॉल्यूशन बनाते समय कैसी रिएक्शन हो रही है। ठीक, तो ये देख लो एक बार, शॉर्ट में बता दिया, एक्सोथर्मिक रिएक्शन के लिए टेम्परेचर कम करने से सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी, और एंडोथर्मिक रिएक्शन के लिए टेम्परेचर बढ़ाने से सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी। तो ये इफेक्ट था टेम्परेचर का। ठीक, देख लो सही से। इसके बाद हम क्या डिस्कस करेंगे, इफेक्ट ऑफ प्रेशर डिस्कस करेंगे। ठीक है, इसको रब कर रहा हूं मैं। प्रेशर का बताओ कुछ इफेक्ट पड़ेगा क्या, सोचो जरा, या अभी छपाई कर रहे हो, लिख रहे हो, लिख लो। चलो, हम डिसॉल्व क्या कर रहे हैं, हम सॉलिड को डिसॉल्व कर रहे हैं काय में, लिक्विड में। ठीक है, राइट, इफेक्ट ऑफ प्रेशर। ठीक है, तो हम लोग क्या डिस्कस कर रहे थे, सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन अ लिक्विड। अब आप प्रेशर लगाओ, क्या सॉलिड प्रेशर लगाने से कोई फर्क पड़ता है उस पर, क्या उसके मॉलिक्यूल्स अपनी जगह से हिलते हैं? नहीं सर, जितना जहां पे थे वहीं पे ही रहेंगे, उससे ज्यादा पास आ ही नहीं सकते, क्योंकि उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज्यादा है, अब वो अपनी जगह से नहीं हिलेंगे। इसी प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते हैं, कंप्रेसिबिलिटी। इस प्रॉपर्टी पढ़ते भी है कि सॉलिड्स आर इनकम्प्रेसिबल, मतलब उनको कंप्रेस नहीं किया जा सकता है। सेम होता है लिक्विड में भी, लिक्विड भी ज्यादा कंप्रेस नहीं होते हैं। अब आपने सॉलिड पे प्रेशर लगाया, कोई फर्क ही नहीं पड़ा उसे, तो फिर सॉल्युबिलिटी में कोई फर्क पड़ेगा नहीं। सॉल्युबिलिटी तो तब अफेक्ट होती है ना जब सॉलिड पे इफेक्ट पड़ता। तो यही बात लिखी है यहाँ पे, देखो कि सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड रिमेन्स अनअफेक्टेड बाय चेंज इन प्रेशर। प्रेशर चेंज करने से सॉलिड की सॉल्युबिलिटी लिक्विड में अफेक्ट नहीं होती है। क्यों नहीं होती है, क्योंकि सॉलिड और लिक्विड क्या है यार, हाईली इनकम्प्रेसिबल, उन्हें कंप्रेस नहीं किया जा सकता, और जिसकी वजह से फिर उनका कोई चेंज ही नहीं आता है प्रेशर चेंज करने से, है ना। तो प्रेशर का इफेक्ट सॉलिड की सॉल्युबिलिटी में नहीं है, गैस की सॉल्युबिलिटी में हो भी सकता है, आगे देखेंगे। ठीक, तो टेम्परेचर का इफेक्ट था, प्रेशर का इफेक्ट इतना नहीं था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब हम देखते हैं सॉल्युबिलिटी ऑफ अ गैस इन लिक्विड। तो यहाँ पे भी हम वही तीन फैक्टर डिस्कस करेंगे, कौन कौन से, कि सर नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, टेम्परेचर और प्रेशर। ठीक है, तो अगर मैं नेचर ऑफ सॉल्यूट वाला फैक्टर डिस्कस करूं अपनी पेंसिल पिक करने के बाद, तो देखो पहला फैक्टर हमारे पास क्या है, पहला फैक्टर है हमारे पास नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट वाला। ठीक है, तो कोई भी मुझे ऐसी गैस बताओ जो पोलर है, और एक ऐसी गैस बताओ जो नॉन पोलर है। पोलर और नॉन पोलर का मतलब समझाया था, मतलब जहां पे क्या हो, चार्जेस हो, वहां पे पोल्स आ जाते हैं। तो देखो एक तरफ मेरे पास क्या है, एक तरफ मेरे पास ऑक्सीजन गैस है। ठीक है, ऑक्सीजन गैस का टू ऐसे बना दो, और एक तरफ मेरे पास क्या है, HCl है, हाइड्रोजन क्लोराइड। HCl भी गैस होती है, जैसे कि आपके वहां उसमें रखा रहता है लैब में, वो तो लिक्विड फॉर्म में होता है, लेकिन जहां वो बनता है वहां कैसे बनाया जाता है, गैस होती है, गैस को वाटर में पास किया जाता है। HCl का नेचुरल एग्जिस्टेंस कैसा होता है, गैसियस फॉर्म में, लैब में हमें लिक्विड में मिल जाता है, क्योंकि उस गैस को वाटर में पास किया जाता है, तब एक लिक्विड सॉल्यूशन बनता है। तो देखो O2 मुझे बताओ कैसा है, पोलर है कि नॉन पोलर है। तो पहले O2 का स्ट्रक्चर देख लो, O2 का स्ट्रक्चर ऐसा है और HCl का स्ट्रक्चर ऐसा है। अब बताओ क्या ये पोलर है, देखो यहाँ दो सेम लोगों के बीच में रस्सा खेच चल रहा है, दो सेम लोगों के बीच में टग ऑफ वॉर चल रहा है, तो क्या इलेक्ट्रॉन्स की शिफ्टिंग होगी, नहीं, कोई है ही नहीं ज्यादा पावरफुल, दोनों की पावर एक जैसी है। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे कोई भी इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ शिफ्ट नहीं कराएगा। लेकिन अब यहाँ आ जाओ HCl में, तुम्हें बताया था फोन, फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ये तीन तो है ही सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, और चौथे नंबर पे कौन आ रहा था, क्लोरीन। तो क्लोरीन भाई हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है, मतलब रस्सी खींचने की, मतलब इलेक्ट्रॉन खींचने की इसकी पावर क्या है, ज्यादा है। तो ये क्या करेगा, यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन होंगे ये चाहेगा कि मेरी तरफ को शिफ्ट हो जाए इस तरीके से। अब जब इसकी तरफ को शिफ्ट हो जाएंगे तो फिर यहाँ पे क्या आ जाएगा, बस शिफ्ट हुए गए नहीं है, तो पार्शियल नेगेटिव, और इसके पास से चले गए तो बेचारे के पास डेफिशिएंसी हो गई, तो यहाँ पे क्या आ गया, पार्शियल पॉजिटिव। तो बताओ कौन सा कंपाउंड पोलर हुआ कौन सा नहीं, तो सर ये वाला पोलर हुआ। तो ये कहां पे डिसॉल्व होगा,
जहां पे सॉल्यूट पोलर होगा और ये कैसा हो गया, नॉन पोलर। यही वजह है कि ऑक्सीजन की सॉल्युबिलिटी वाटर में कम होती है, होती तो है लेकिन कम होगी, है ना। इसकी सॉल्युबिलिटी यहाँ पे वाटर में क्या होगी, कम। अगर होती ही नहीं तो फिर हमारी एक्वेटिक लाइफ सर्वाइव ही नहीं कर पाती, है ना। सॉल्युबिलिटी है तो कम है, लेकिन जब इसकी सॉल्युबिलिटी की बात करूंगा तो वाटर में ज्यादा हो जाएगी। क्यों? क्योंकि वाटर खुद कैसा है, पोलर कंपाउंड है, तो इसकी सॉल्युबिलिटी क्या हो जाएगी, वाटर में ज्यादा हो जाएगी। तो नेचर ऑफ सॉल्यूट और सॉल्वेंट समझ में आया, यहाँ पे भी वही कॉन्सेप्ट लगा। अगर हमारा सॉल्यूट पोलर है तो पोलर सॉल्वेंट में अच्छे से डिजोल्व होगा, नॉन पोलर है तो नॉन पोलर में अच्छे से होगा, वो पोलर में भी जाएगा लेकिन ज्यादा अच्छे से नॉन पोलर में होगा। तो ये क्या था हमारा, नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट का इफेक्ट, ठीक है, वही वाला कॉन्सेप्ट लगा, लाइक डिजोल्व्स इन लाइक वाला। तो ये पहला फैक्टर क्लियर हुआ, अब करते हैं तो अब हम देखेंगे इफेक्ट ऑफ प्रेशर। ठीक, प्रेशर का क्या इफेक्ट पड़ता है, सोचो क्या इफेक्ट पड़ेगा प्रेशर का। क्या गैसेस कंप्रेस हो जाएंगी, और हो जाएंगी तो फिर क्या इफेक्ट डालेंगी सॉल्युबिलिटी पे। ठीक, तो अगला हमारा टॉपिक क्या है, इफेक्ट ऑफ प्रेशर, किस चीज का इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन, किस चीज में, ऑन सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस काय में इन लिक्विड, है ना। हम काय में इफेक्ट देख रहे हैं, गैस की सॉल्युबिलिटी लिक्विड में। तो बताओ क्या कुछ इफेक्ट पड़ेगा, और पड़ेगा तो क्या इफेक्ट पड़ेगा। ठीक, तो देखो इसको मैं आपको एक डायग्राम से समझाता हूँ। देखो यहाँ पे हमारे पास एक बीकर है इस तरीके से, ये रहा, और यहाँ पे मैंने पिस्टन लगा दिया। पिस्टन होता है मतलब एक तरीके का स्टॉपर होता है जिसको आप ऊपर नीचे मूव कर सकते हो, और इस पे आपने वो रख दिए वाट, वाट मतलब वही जिससे वे करते हैं ना, वजन लगाते हैं जिससे। ठीक, और यहाँ पे हमारा क्या था, यहाँ पे हमारा सॉल्यूशन था इस तरीके से, है ना, और यहाँ पे हमारे गैसेस के मॉलिक्यूल्स थे। ये क्या है, ये वाले पार्ट में जो मैंने लाइन से बना रखा है ये सॉल्यूशन है, और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे गैस है, सॉल्यूट है। ठीक, तो अभी जो है कि गैस यहाँ पे है और सॉल्यूशन नीचे है। अब मैं क्या करूंगा, कुछ देर बाद मैं इस पे प्रेशर बढ़ाऊंगा। प्रेशर कैसे बढ़ाऊंगा, यहाँ पे मैं और वाट रख देता हूँ, मतलब मैं ऊपर से और वेट बढ़ा देता हूँ। वेट बढ़ाऊंगा तो क्या होगा, प्रेशर बढ़ेगा, है ना। प्रेशर एक तरीके से क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया। तो मैंने फोर्स बढ़ा दी, यहाँ पे अभी मैंने एक पत्थर रखा था, यहाँ पे तीन पत्थर रख दिए, तो अब यहाँ पे फोर्स ज्यादा लग रहा होगा। तो एज अ रिजल्ट होगा क्या, जो यहाँ पे गैसेस मॉलिक्यूल्स होंगे वो भी नीचे को आएंगे, और नीचे कौन है, सॉल्यूशन है। तो सॉल्यूशन में क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन में जो गैसेस मॉलिक्यूल्स का अमाउंट है वो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, है ना, क्योंकि वो कंप्रेस हो सकते हैं। सॉलिड कंप्रेस नहीं हो रहे थे, गैसेस हो सकती हैं क्योंकि उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इतना अच्छा नहीं है। तो यहाँ पे क्या हुआ, जो गैस मॉलिक्यूल्स का अमाउंट था सॉल्यूशन में वो बढ़ गया, है ना। क्यों, क्योंकि आपने प्रेशर बढ़ाया। तो यही तो सॉल्युबिलिटी होती है कि सॉल्यूट कितना एंटर कर रहा है सॉल्यूशन में। तो आपने क्या देखा कि प्रेशर बढ़ाने से यहाँ पे क्या हुआ, प्रेशर बढ़ाने से यहाँ पे क्या चीज बढ़ गई, प्रेशर बढ़ाने से यहाँ पे सॉल्युबिलिटी भी इंक्रीज हो गई, किसकी, गैसेस की, और कहाँ पे, लिक्विड में, है ना। तो यही था हमारा इफेक्ट ऑफ प्रेशर, कि सर प्रेशर बढ़ाओगे तो सॉल्युबिलिटी आपकी बढ़ेगी गैसेस की, लिक्विड में, लिक्विड सॉल्यूशंस में, है ना। तो इसी चीज को सबसे पहले किसने ऑब्जर्व किया, एक हेनरी नाम के साइंटिस्ट थे, उन्होंने यही बात सबसे पहले ऑब्जर्व की। ऑब्जर्व अब आप भी कर पा रहे हो, लेकिन अब देर हो गई ना भाई, वो पहले ही इसके बारे में लॉ दे चुके हैं। तो उनके नाम से एक लॉ होता है हेनरीज लॉ, उसको पढ़ेंगे। साथ ही साथ उनके एक सहपाठी थे डाल्टन, उन्होंने भी ये बात ऑब्जर्व करी। हेनरी ने बोला, हेनरी साइंटिस्ट हेनरी जी ने बोला कि अगर आप प्रेशर बढ़ाते हो तो गैसेस की सॉल्युबिलिटी बढ़ती है। अब सॉल्युबिलिटी बढ़ने से क्या होगा, सॉल्यूशन में गैसेस का अमाउंट बढ़ जाएगा, मतलब उनकी कंसेंट्रेशन बढ़ जाएगी। तो कंसेंट्रेशन टर्म्स में क्या क्या होता था हमारे पास, मोलैरिटी मोलैरिटी वगैरह होते थे। एक होता था मोल फ्रैक्शन, तो जो डाल्टन थे उन्होंने यही बात मोल फ्रैक्शन के टर्म्स में बोल दी। उन्होंने बोला कि जो इन गैसेस का प्रेशर होगा वो किसके प्रोपोर्शनल होगा, उनके मोल फ्रैक्शन के इन सॉल्यूशन, है ना। जितना ज्यादा प्रेशर उतनी ज्यादा सॉल्युबिलिटी, उतना ज्यादा उनका अमाउंट सॉल्यूशन में, उतना ही ज्यादा मोल फ्रैक्शन। तो इन दोनों लोगों के काम को मिला के जो लॉ निकल के आया उसका नाम है क्या, हेनरीज लॉ। तो
तो अब हमें क्या पढ़ना है डिटेल में, हेनरी लॉ पढ़ना है। ठीक, तो इसको मैं रब करता हूँ और हेनरी लॉ की तरफ मूव करता हूँ। ठीक है, समझ में तो आ रहा होगा, सॉलिबिलिटी है, इमेजिन भी कर सकते हो। ठीक, अब हमारे पास नेक्स्ट चीज क्या है, हेनरीज लॉ। देखो लिखा हुआ अभी है, जो चीज मैंने अभी आपको बताई कि अगर आप प्रेशर बढ़ाओगे तो गैस की सॉलिबिलिटी बढ़ेगी, मतलब गैस का अमाउंट बढ़ जाएगा सॉल्यूशन में, और अमाउंट बढ़ जाएगा तो उसके क्या बढ़ जाएगी, कंसंट्रेशन, है ना। तो यही लॉ है। देखो जब गैस अकेले एग्जिस्ट करती है तो उसका प्रेशर होता है, अब जब वो एक दो लोगों के साथ आती है, आ जाती है, तो अपना पूरा इफेक्ट नहीं दिखा सकती। जैसे मैं अकेला हूँ, मैं इधर उधर हाथ पैर चला सकता हूँ, लेकिन अब मेरे संग सर लोग खड़े हैं तो भाई तहजीब से खड़ा होना पड़ेगा ना, तो मैं अपना पूरा प्रेशर नहीं लगा पाऊंगा जैसे गैस अकेले में लगाएगी। अब गैस के संग कौन है, लिक्विड भी है, हल्के हल्के काम करेगी, तो उसका पूरा प्रेशर नहीं लग पाता है, उसका क्या लगेगा, पार्शियल प्रेशर, है ना। तो वही चीज है यहाँ पे कि पार्शियल प्रेशर ऑफ अ गैस ऑन लिक्विड सरफेस, वो जो लिक्विड का सरफेस था वहां पे, है ना, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस इन लिक्विड। मोल फ्रैक्शन आप लोगों को निकालना बताया था कंसंट्रेशन टर्म्स में, है ना। पार्शियल प्रेशर भी होता है, क्या होता है बता देंगे, अभी समझ लो पी से डिनोट करते हैं। ठीक है, अगर इसको मैं मैथमेटिकली लिखूं तो पार्शियल, कोई भी मान लो ए गैस है, तो पार्शियल प्रेशर ऑफ अ गैस क्या हो जाएगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके, मोल फ्रैक्शन के। मोल फ्रैक्शन को ऐसी एक्स से तो डिनोट करते थे, है ना, तो यही बात को मैंने मैथमेटिकली लिख दिया क्या, कि पार्शियल प्रेशर ऑफ अ गैस, ये प्रोपोर्शनैलिटी का साइन है मेरा। ठीक है, तुम्हारा जैसा भी होता हो, मेरे को तो ऐसे ही बनाना आता है। तो ये क्या बोल रहा है कि ये जो पार्शियल प्रेशर है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मोल फ्रैक्शन के। मोल फ्रैक्शन को हम लोग इससे डिनोट करते थे ना, एक्स से। ठीक है, और पार्शियल प्रेशर को किससे डिनोट कर रहे हैं, यहाँ पे पी से डिनोट कर रहे हैं। अब जब भी आप ये प्रोपोर्शनैलिटी हटाते हो कहीं पे, तो आप क्या लगाते हो, कॉन्स्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। तो वो यहाँ पे हेनरी साइंटिस्ट के नाम पे ही आया है, जिसको हम बोलते हैं हेनरीज लॉ कॉन्स्टेंट, है ना। तो यहाँ पे के एच क्या है, वेयर के एच इज के और नीचे है ना, वेयर के एच इज हेनरीज कॉन्स्टेंट, क्योंकि भाई हेनरी ने इस बात को बताया था, तो थोड़ी उनके नाम को इम्पोर्टेंस देनी चाहिए, तो उसका क्या नाम हो जाता है, हेनरीज कॉन्स्टेंट। ठीक है, ये बात समझ में आ गई आपको। अब स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन याद करो, क्या होती थी, वाई इक्वल टू एम एक्स। देखो कुछ मिलती जुलती है क्या, हाँ सर है, तो अगर पी को आप वाई एक्सिस पे रख दो और मोल फ्रैक्शन को एक्स एक्सिस पे रख दो, तो स्ट्रेट लाइन आ जाएगी जिसका स्लोप के एच होगा। ठीक, उसी को मैं बताने जा रहा हूँ। देखो स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन होती थी ना इस तरीके से, वाई इक्वल टू एम एक्स वाली, ये क्या होती थी, ये होती थी इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। ठीक है, ये क्या है हमारे पास, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। एक्स सी भी होता था, इंटरसेप्ट वो यहाँ पे है नहीं, तो वो जीरो हो जाएगा। तो इसी को तुम इससे कंपेयर करो, इस वाली इक्वेशन से, पी इक्वल टू के एच और एक्स। ठीक, तो यहाँ पे जब तुम कंपेयर करोगे तो ये पाओगे कि अगर मैं वाई एक्सिस पे क्या रख रहा हूँ, प्रेशर, पार्शियल प्रेशर, और एक्स एक्सिस पे क्या रख रहा हूँ, मोल फ्रैक्शन, तो मुझे एक स्ट्रेट लाइन मिल रही है। ठीक है, और उस स्ट्रेट लाइन का स्लोप क्या है, उस स्ट्रेट लाइन का जो स्लोप है वो किसके बराबर है, वो स्लोप बराबर है आपके हेनरीज कॉन्स्टेंट के बराबर। देखो स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन से मैच हो गया, तो कई बार ग्राफ भी पूछ लिया जाता है पार्शियल प्रेशर और मोल फ्रैक्शन में कैसा आता है। ठीक, अगर मैं बात करूं कि कॉन्स्टेंट प्रेशर पे क्या हो रहा है, ठीक, अगर मैं बात करता हूं कि सर कॉन्स्टेंट प्रेशर पे क्या होगा, कॉन्स्टेंट प्रेशर मतलब प्रेशर चेंज नहीं हो रहा है, ये चीज आपकी फिक्स रह गई। ठीक है, तो अब देखो ये चीज जब फिक्स है तो एक्स नीचे आएगा ना डिनोमिनेटर में, डिवाइड हो रहा है, तो आप क्या पाओगे, आप ये पाओगे कि के एच और एक्स में आपका कैसा रिलेशन आ गया, इनवर्स रिलेशन आया है। तो मतलब क्या हो रहा है कि अगर हमारे पास के एच की वैल्यू ज्यादा है तो फिर मोल फ्रैक्शन की वैल्यू क्या हो जाएगी, मोल फ्रैक्शन की वैल्यू कम हो जाएगी। मतलब सर अगर किसी गैस के लिए हेनरी कॉन्स्टेंट ज्यादा है तो उसकी सॉल्युबिलिटी क्या होगी, कम होगी, है ना। तो हेनरी कॉन्स्टेंट जितना ज्यादा, सॉल्युबिलिटी उतनी कम। ठीक, ये थोड़ी अलग बात थी जो हमने थोड़ा एक्स्ट्रा रिसर्च करके निकाली, नहीं है, सब एज इट इज लिखा हुआ है, बुक पढ़ोगे सब मिलेगा, है ना, अब बुक पढ़ोगे तो समझ में आने लगेगा। तो ये हमारा क्या था,
हेनरी का लॉ था जिसका स्टेटमेंट ये है और मैथमेटिकल एक्सप्रेशन ये है, लिखने को भी आ सकता है और ग्राफ और यहाँ से न्यूमेरिकल भी आ सकता है, देख लो इसको। ठीक, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि इसकी कुछ एप्लीकेशन भी होती हैं, उन एप्लीकेशन को देख लेते हैं एक बार क्या है, क्योंकि लॉ है तो कुछ ना कुछ उसकी एप्लीकेशन रही होंगी, है ना। ठीक, तो ये रब हो चुका है, स्क्रीन लॉक हो चुकी है, आगे बढ़ते हैं, पीछे आते हैं, क्या एप्लीकेशन ऑफ हेनरीज लॉ। ठीक है, तो देखो अब कोल्ड ड्रिंक पीने की बात आएगी, लेके मत बैठ जाना। जब कोल्ड ड्रिंक की बॉटल्स को पैक किया जाता है ना, तो वहां पे क्या होता है कि जो आपका कोई अलग से गैस उसमें डेवलप जो नहीं हो जाती है, CO2 गैस ही होती है, उसको इतने ज्यादा हाई प्रेशर से उसके अंदर इंसर्ट किया जाता है कि जब बाद में खोलते हो तो उतने ही प्रेशर से वो बाहर निकल के आती है। तो क्या हुआ वहां पे, हेनरी का लॉ लगा नहीं लगा? हेनरी का लॉ यही तो कहता था, प्रेशर बढ़ाओगे गैसेस की सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी। तो वही एप्लीकेशन हमारा सोडा वाटर बॉटल्स में और सॉफ्ट ड्रिंक या कोल्ड ड्रिंक्स में यूज होता है। क्या, कब? जब उन्हें पैक किया जाता है। पैक कैसे किया जाता है? हाई प्रेशर पे, ताकि कार्बन डाइऑक्साइड गैस की सॉल्युबिलिटी बढ़ जाए। तो ये बात कहाँ से निकल के आई? ये बात हेनरी लॉ से तो निकल के आई है। तो पहली इनकी एप्लीकेशन ये थी। दूसरी, आपने नेशनल ज्योग्राफिक या मूवीज वगैरह में देखा होगा, स्कूबा डाइवर्स होते हैं, पानी के अंदर जाते हैं। अब मुझे बताओ, पानी के अंदर जाओगे तो एकदम से कूद मारोगे, प्रेशर बढ़ेगा, प्रेशर बढ़ेगा तो उस पानी में या लिक्विड है जो हमारा वाटर, उसमें गैसेस भी तो डिजोल्व रहती हैं थोड़ी बहुत, तो वो गैसेस क्या होती हैं फिर हमारे ब्लड में एंटर करने लगती हैं उतने ही ज्यादा प्रेशर से। अब अगर उन गैसेस को ज्यादा प्रेशर मिलेगा तो वो ज्यादा प्रेशर से हमारे बॉडी के अंदर डिजोल्व होंगी, क्योंकि प्रेशर बढ़ाने से सॉल्युबिलिटी बढ़ती है, वो अपनी बेसिक बात है, हो गई डिजोल्व हो गई। अब स्कूबा डाइवर बाहर आ रहा है, तो जब बाहर आ रहा होगा तो उसका प्रेशर कम हो रहा होगा, प्रेशर कम होगा तो सॉल्युबिलिटी कम होगी, मतलब वो गैसेस बॉडी से या हमारे सेल्स से टिश्यूज से बाहर निकल रही होगी। लेकिन बाहर निकलते वक्त उन्हें इतना ज्यादा प्रेशर नहीं मिल रहा है जितना अंदर जाते वक्त मिला, मतलब कि आप किसी गेट से एंटर कर रहे थे, आप पे धक्का लगा, आप 10-12 लोग थे, गेट से घुसने की जगह थी 5-6 लोगों की, तो आप लोग धक्के के संग घुस तो गए अंदर, लेकिन जब आप उसी जगह में से 10-12 लोग बाहर आओगे तो आपको दिक्कत होगी ना, एक जगह इकट्ठे होने लग जाओगे, कुछ सिकुड़ जाओगे, क्योंकि उस जाते समय प्रेशर ज्यादा मिल गया, आते समय तो प्रेशर नहीं है, तो फिर क्या होगा, आप लोग एक जगह इकट्ठे हो जाओगे। वही काम होता है गैसेस के साथ, गैसेस क्या होती हैं फिर वहां पे जो हमारी कैपिलरीज होती हैं वहां पे इकट्ठा होने लगती हैं, जिसकी वजह से हमारी कैपिलरीज ब्लॉक हो जाती हैं। उसी कंडीशन को क्या बोला जाता है? उसी कंडीशन को बोला जाता है बैंड्स। देखो यहाँ पे लिखा है बैंड्स। बैंड्स में क्या होता है कि हमारी कैपिलरीज ब्लॉक हो जाती है, ये वो कंडीशन है जहाँ पे हमारी कैपिलरीज क्या हो जाती हैं, कैपिलरीज ब्लॉक हो जाती हैं। बायो वाले बच्चे भी समझ रहे होंगे, नॉर्मल भी समझ ही रहे हो, कैपिलरी यार जहाँ से ब्लड इधर उधर फ्लो करता है। तो बैंड्स में क्या होता है, ये एक मेडिकल डिसऑर्डर है जहाँ पे हमारी कैपिलरीज ब्लॉक हो जाती है, तो ब्लड सर्कुलेट करना थोड़ी देर के लिए मतलब बंद कर देता है, उस जगह से नहीं जा पाता है, और जगह तो जाता है, तो दिक्कत की बात है ना, जान माल की हानि हो सकती है। ठीक, अब इसको बचाव भी करना है, तो बचाव करने के लिए हम क्या करते हैं कि उनके पीछे वो टैंक देखते हो ना, एक बैग लेके कूदते हैं, उस बैग में हम हीलियम गैस इंसर्ट कर देते हैं। हीलियम गैस क्या है? ग्रुप 18 का एलिमेंट है, नोबल गैस है, वो रिएक्ट ही नहीं करेगा ब्लड के संग, हो जाए इकट्ठी कोई दिक्कत नहीं है, तो इसीलिए हम एयर में फिर थोड़ा सा हीलियम गैस को डाइल्यूट कर देते हैं। ठीक, ये बात समझ में आई? तो इसकी सेकेंड एप्लीकेशन थी। थर्ड एप्लीकेशन है माउंटेन क्लाइंबर्स के साथ, जब वो ऊपर जाते हैं ट्रैक करते हुए, तो ऊपर जाते जाते आपको भी पता है कि सांस लेने में दिक्कत होती है, क्यों होती है ऐसी मुझे बताओ। देखो एक बार तुम यहाँ दिल्ली में खड़े हो या कहीं भी हो जहाँ से पढ़ रहे हो, हम तो दिल्ली में ही हैं, तो हम ग्राउंड प्लेन्स में हैं, तो हमारे ऊपर एटमॉस्फेयर इतना है, और कुछ लोग यहाँ उत्तराखंड में खड़े हैं उनके ऊपर प्रेशर इतना है, तो बताओ किन लोगों को ऑक्सीजन गैस ज्यादा मिलेगी, दिल्ली वालों को उत्तराखंड वालों को? सोचो, वही एप्लीकेशन है। मेरे हिसाब से तो दिल्ली वालों को ज्यादा मिलेगा, क्यों? क्योंकि उनके ऊपर एटमॉस्फेयर ज्यादा है और एटमॉस्फेयर प्रेशर लगा रहा होगा, प्रेशर बढ़ेगा तो ऑक्सीजन गैस की सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी। लेकिन जब तुम उत्तराखंड या पहाड़ों पे चले जाते हो तो उनका एल्टीट्यूड बढ़ जाता है, मतलब उनके ऊपर एटमॉस्फेयर कम है,
तो वहां से जो प्रेशर लगेगा वो प्रेशर उतना ज्यादा नहीं होगा जितना दिल्ली में मिल रहा था, तो ऑक्सीजन गैस की सॉल्युबिलिटी भी उतनी ज्यादा नहीं होगी, और ऑक्सीजन ही से तो हम ब्रीथ करते हैं, तो ब्रीथ करने में फिर दिक्कत आ जाती है हाइयर एल्टीट्यूड्स पे। वही किसके साथ होता है? माउंटेन क्लाइंबर्स के साथ। और अगर यही दिक्कत उन्हें आती है, उस दिक्कत का नाम होता है एनोक्सिया। एनोक्सिया में क्या होता है कि जो ऑक्सीजन का लेवल होता है, ओ टू लेवल क्या होता है इन ब्लड, डिक्रीज हो जाता है, ठीक है। उसी कंडीशन को हम क्या बोलते हैं? एनोक्सिया बोलते हैं, जिसकी वजह से उन्हें जल्दी जल्दी थकान होने लगती है उन्हें, ठीक है, और सोचने समझने की क्षमता भी चली जाती है। दे आर अनेबल टू थिंक, अब करना क्या है भाई, जाना कहाँ है, ठीक। तो ये तीन एप्लीकेशन थी, एक कोल्ड ड्रिंक वाली अपनी, एक स्कूबा डाइवर्स की, और एक माउंटेन क्लाइंबर्स की। एप्लीकेशन भी इम्पोर्टेंट है कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है, लिख लिया। तो ये सारी बात काहे की थी? ये सारी बात चल रही थी प्रेशर की, है ना। इसमें मैंने कुछ थोड़ा सा ये बताया है डिजीजेस क्या होता है, ये ध्यान रख लेना, ठीक। इसको मैं हटा देता हूँ, लिखा था मैंने, ठीक है, हट गया। आगे बढ़ते हैं और टेम्परेचर का इफेक्ट और देख लेते हैं। चलो, तो टेम्परेचर का क्या इफेक्ट होगा बताओ? जैसे वहां हो रहा था, ली चैटी हेयर प्रिंसिपल लगा रहे थे, तो देखो अब क्या डिसॉल्व कर रहे हो आप गैस को डिसॉल्व कर रहे हो, ठीक है। सॉल्यूट आपके पास क्या है? सॉल्यूट इस बार आपके पास है गैस, और सॉल्वेंट आपके पास क्या है? लिक्विड है, क्योंकि लिक्विड सॉल्यूशंस को हम लोग पढ़ रहे हैं, है ना। सॉल्वेंट हमारे पास क्या है? लिक्विड है, और हमारा सॉल्यूशन बन रहा है। तो मुझे बताओ, जब गैसेस लिक्विड में कन्वर्ट होती हैं, तो उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? उस प्रोसेस को बोलते हैं कंडेंसेशन। कंडेंस हो जाती है ना गैस, ठीक, तो उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? कंडेंसेशन बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या बन गया? सॉल्यूशन बन गया, और इस प्रोसेस को हमने क्या बोला? कंडेंसेशन, ठीक है। तो मुझे बताओ, पहले गैसेस की एनर्जी ज्यादा होगी या सॉल्यूशन में जाने के बाद ज्यादा होगी? पहले गैसेस इंडिपेंडेंट थे, इधर उधर हाथ पैर पटक रहे थे, मतलब उनकी एनर्जी ज्यादा है, और जब सॉल्यूशन में गए तो उनकी एनर्जी कम हो गई। तो वो जो डिफरेंस ऑफ एनर्जी आया वो कहाँ गया? वो सराउंडिंग में रिलीज हो गया। मतलब जब गैस कंडेंस करती हैं तो उनकी एनर्जी क्या होती है? डिक्रीज। डिक्रीज होने से मतलब उनकी जो सिस्टम से एनर्जी है वो बाहर निकल जाती है ना। तो कंडेंसेशन में क्या होता है? कंडेंसेशन में आपका क्या होता है? एनर्जी बाहर निकलती है। तो कंडेंसेशन कैसा प्रोसेस हुआ? बाहर निकलना मतलब कट, बाहर निकल रहा है। तो कंडेंसेशन कैसा होता है? कंडेंसेशन होता है एक्सोथर्मिक, है ना। कंडेंसेशन कैसा होता है? एक्सोथर्मिक। समझ में आया क्यों हो रहा है? क्योंकि गैसेस की एनर्जी पहले ज्यादा थी, इधर उधर प्रेशर लगा रहे थे, अब लिक्विड के अंदर आ गए तो उतना प्रेशर नहीं लगा पाएंगे, उसके संग भी तो रहना है। तो फिर क्या हुआ? वो बची बुची एनर्जी बाहर फेंक देते हैं। तो एक्सोथर्मिक मतलब हमने क्या बताया था कि डेल्टा एच वहां पे कैसा हो जाएगा? निकल गई तो नेगेटिव हो जाएगा डेल्टा एच। तो बताओ, ऐसे केस में जहां एनर्जी निकल रही होगी, वहां तुम टेम्परेचर क्या करना चाहोगे? बढ़ाना चाहोगे, कम करना चाहोगे? वो ऑलरेडी एनर्जी बाहर फेंक रहा है, तो तुम उसकी मदद कर दो, एनर्जी कम कर दो, मतलब टेम्परेचर कम कर दो। तो अगर ऐसे केस में आप टेम्परेचर कम करते हो, तो टेम्परेचर कम करने से क्या होता है? सॉल्युबिलिटी बढ़ जाती है, ठीक है। और अगर इसका उल्टा हो जाएगा कि सर अगर टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो क्या होगा? तो टेम्परेचर जब बढ़ाएंगे तो सॉल्युबिलिटी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी, ठीक। आ गई बात समझ में? यही बात थी। उल्टा प्रोसेस क्या हो जाएगा? उल्टा प्रोसेस इवेपोरेशन हो जाता है, क्योंकि गैस बाहर निकल जाएगी, मतलब इवेपोरेट हो जाएगी। लेकिन सॉल्युबिलिटी की बात हम कब करेंगे? जब हम फॉरवर्ड में जाएंगे, क्योंकि सॉल्युबिलिटी तभी होगी जब सॉल्यूशन बनेगा। तो ये इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर काय का था? सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड का। सॉलिड इन लिक्विड पहले पढ़ा था, उसके संग रिलेट कर सकते हो, लेकिन वैसा इफेक्ट देखने को नहीं मिलेगा, ठीक। बात समझ में आ गई? तो ये था। अब हम आगे बढ़ते हैं, और शायद एक क्वेश्चन है मेरे पास, क्योंकि फिजिकल केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, तो फिजिकल केमिस्ट्री बिना न्यूमेरिकल के तो अधूरी है, है ना। एक न्यूमेरिकल तो होना चाहिए, देखते हैं है भी। चलो पढ़ो क्वेश्चन जरा, ऊपर लाइट पड़ रही है, मैं भी पढ़ लेता हूँ। H2S a toxic gas with rotten egg-like smell is used for the qualitative analysis, ठीक है। क्वालिटेटिव एनालिसिस बताया था, क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव।
क्वालिटेटिव मतलब बस अमाउंट कम है या ज्यादा है ये पता लगता है। तो इफ द सॉल्युबिलिटी ऑफ H2S इन वाटर एट STP इज 0.195 m, अब देखो सॉल्युबिलिटी दे दी उन्होंने H2S गैस की। STP मतलब होता है स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर कंडीशंस। कोई बात नहीं, क्वेश्चन रख तो लिया होगा, लास्ट स्लाइड थी बस, समझ गया सर। लाइट तो और जला लो, लास्ट स्लाइड पर रुक गया, देखने जा रहा था सर अच्छा था। अरे कोई नहीं, रिकॉर्ड हुआ कि नहीं, सेव हो जाता है, सेव हो जाता है।